हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। माय नेम इज अफसर एंड यू वाचिंग टेक्निकल अफसर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, यहां पर व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी की तरफ से एक गुड न्यूज निकल कर आई है, जहां पर व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लोगों को अग्री करने के लिए यहां पर फोर्स कर रहा है। वहीं पर यहां पर अब इंडियन गवर्नमेंट ने इसके अंदर अपना हाथ डाल दिया है, क्योंकि गाइस व्हाट्सएप एक प्राइवेट कंपनी है एंड वो अपने एप्लीकेशन के अंदर अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर चेंजेस कर सकती है। एंड यहां पर वो यूजर के ऊपर डिपेंड करता है, क्या यूजर उसको एक्सेप्ट करे या फिर ना करे, या फिर उस एप्लीकेशन को यूज करे ना करे। बट गाइस, यहां पर मामला व्हाट्सएप के अंदर जो आया है वो आया है नेशनल सिक्योरिटी का, क्योंकि यहां पर व्हाट्सएप आपके हार्डवेयर इंफॉर्मेशन ले रहा है, जो कि आपका आईपी एड्रेस, सिग्नल स्ट्रेंथ, उसके बाद आपका सिम कार्ड वगैरह, ऐसी बहुत सारी जो डिटेल वो ले रहा है। इसलिए अब ये मामला यहां पर गवर्नमेंट के पास चला गया है। तो यहां पर अब गवर्नमेंट ने जो कि यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है, उन्होंने अभी व्हाट्सएप को लेटर भेजकर कहा है कि जो व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी है ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल या फिर इसको अग्री नहीं किया जा सकता है, ये पॉलिसी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अब देखना यह है कि व्हाट्सएप गवर्नमेंट के लेटर आने के बाद व्हाट्सएप की तरफ से इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है, क्या व्हाट्सएप इसका आंसर देता है। बट कैसे जो भी जो चीज़ें हैं बिल्कुल भी सही नहीं है। व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी के अंदर जो भी व्हाट्सएप नए चेंजेस कर रहा है वो गवर्नमेंट बिल्कुल भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे इंडियन यूजर का जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो डेटा है हमारा अदर कंट्री के सर्वर के ऊपर भेजा जा रहा है, तो यहाँ पर व्हाट्सएप के बारे में बिल्कुल भी गवर्नमेंट यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि गाइस यहाँ पर हम बात करें कि ये जो व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी है ये वैसे यूरोपियन कंट्री के अंदर बिल्कुल भी लागू नहीं की गई है। यूरोपियन कंट्री के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी है, जो कि व्हाट्सएप की जो इंडिया के अंदर जो प्राइवेसी है वैसी बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर यूरोप के अंदर जो लोग व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हैं उनके लिए नॉर्मल सी सारी चीज़ें हैं व्हाट्सएप के लिए, और ये जो नई जो पॉलिसी है बिल्कुल भी वहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि व्हाट्सएप 2021 व्हाट्सएप के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब निकला है। जब से 2021 लगा है व्हाट्सएप को लगाया कि हम क्यों ना यहाँ पर यूज़र को एक नोटिफिकेशन पुश करें और यूज़र इसके ऊपर आराम से अग्री कर लेगा इसको बिना पढ़े, और हम हमारी प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर चेंज करके यूज़र का डेटा अपने पास ले लेंगे। बट यहाँ पर यूज़र ने, आप और मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया कि व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को अग्री ना करके उसको डिनाई किया। उसके बावजूद यहाँ पर हमने बहुत सारे एप्लीकेशन के ऊपर स्विच किया, जैसे कि टेलीग्राम हो गया, सिग्नल हो गया, उसकी वजह से व्हाट्सएप का जो ट्रैफिक है वो ऑलरेडी कम हो गया, व्हाट्सएप का यूज़र बेस कम हो गया। तो व्हाट्सएप को ऐसा लगा कि अब क्यों ना हम लोगों को ये चीज़ समझाएं कि आपने जो यूज़र, आपकी जो प्राइवेसी है वो बिल्कुल सेफ है, और हम यहाँ पर आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जो आपके टेक्स्ट मैसेज है, हम उसको कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पर आपकी हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। इसलिए व्हाट्सएप ने सोचा क्यों ना हम इसको 8 फरवरी 2021 से लेकर एक्सटेंड कर दें 15 मई तक, ताकि लोग यहाँ पर उनके माइंडसेट हो जाए और लोगों को लगे कि ठीक है, व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी है इसका असल जो मकसद है, इसका असल जो मतलब है वो ये है, उसके बाद आप लोग उसको एक्सेप्ट कर सके। बट गाइस, यहाँ पर अब उसकी मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ रही है। व्हाट्सएप को यहाँ पर सबसे पहले लोगों के सामने झुकना पड़ा, और अब ऊपर से इंडियन गवर्नमेंट का ये लेटर। अब देखना ये है कि व्हाट्सएप की जो न्यू प्राइवेसी पॉलिसी है क्या वो खत्म होती है या फिर व्हाट्सएप उसको कंटिन्यू करता है। बट यहां पर अगर इंडियन गवर्नमेंट अगर उसके अंदर इंटरफेयर कर रही है तो व्हाट्सएप को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को पीछे लेना ही होगा, एंड यहां पर इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से ही चलना होगा, क्योंकि उसको अपने इंडिया के अंदर अगर अपनी सर्विस को चलाना है। तो यहाँ पर उसी तरीके से जिस तरीके से व्हाट्सएप अगर ये सारी चीज़ें अगर करता है, तो आपने देखा होगा कि जितनी भी इसके पहले जो एप्लीकेशन है जो इंडिया के अंदर बैन की गई है वो इसीलिए बैन की गई है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी की वजह से। यहाँ पर ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि कौन सी कंट्री के अंदर आपका डेटा सेंड किया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर मैटर ये करता है कि इंडिया के बाहर हमारी इन्फॉर्मेशन ना जाए। तो बस यहाँ पर इसका यही एक मतलब था। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए डेली लाता रहता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।